हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हेल्प डेस्क हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि सैमसंग A8 ड्यूल सिम को कैसे फ्लैश करें। तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है USB ड्राइवर सैमसंग फोन्स का, दूसरा है ओडिन टूल 3.09 वर्जन या 3.11 वर्जन, और तीसरा है सेम मॉडल की फ्लैश फाइल। तो ये तीनों चीज़ें मैंने डाउनलोड कर रही है ऑलरेडी। तो देखिए, ये मेरा टूल है, ये मेरी फ्लैश फाइल है, ठीक है, और ड्राइवर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। तो डाउनलोडिंग मोड पे लेने के लिए हमें सिंपल सा सीधा सा क्या करना होता है कि हमें तीन की प्रेस करनी होती है। पहली है वॉल्यूम डाउन की, दूसरी है होम की, तीसरी है पावर की। तो आप यहाँ साइड में ये विंडो खुली पड़ी, इसमें देख सकते हैं, ये वॉल्यूम की को डाउन वॉल्यूम की को प्रेस करना है, होम की को प्रेस करना है और पावर बटन को प्रेस करना है। तो चलिए करते हैं। मैंने मेरे फ़ोन की ऑलरेडी कीज़ को प्रेस कर रखा है, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, उस पर आपको करना है वॉल्यूम अप की। यहाँ पे है वॉल्यूम अप पे है कंटिन्यू, और नीचे है वॉल्यूम डाउन पे कैंसिल एंड रिस्टार्ट फ़ोन। तो हमें सिंपली वॉल्यूम अप की को प्रेस करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये सीधा डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। उसके बाद हमें हमारे टूल को ओपन करना है। तो मैंने टूल को ऑलरेडी ओपन कर रखा है, या देखिए नीचे आ चुका है COM4। और यहाँ पे टूल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो रिबूट पे टिक करना है, और यहाँ रीसेट टाइम पे बस, और बाकी किसी पार्टीशन को नहीं छेड़ना है। ऑटो रिबूट पे क्लिक करने से क्या होगा कि जब हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली AP पे क्लिक करना है, और वो पाथ देना है जहाँ पे आपकी फ्लैश फाइल है। तो मैं, ये मेरी फ्लैश फाइल है, तो मैंने इसको इसको ऐसे ओपन कर लिया, यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ से Ctrl+C प्रेस करके इसको कॉपी कर लिया पाथ को, और सिंपली ये पाथ को मैंने Ctrl+V दबा के यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इस पर क्लिक कर दिया। देखिए ये फ्लैश फाइल आपके सामने आ चुकी है, इसको बस सिर्फ ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये इस फ्लैश फाइल को वेरीफाई करेगा यह सॉफ्टवेयर, उसके बाद आप आगे फ्लैशिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये वेरीफाई कर रहा है, तब तक हम वीडियो को पुश कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी वीडियो का साइज़ बड़ा नहीं हो जा पाएगा ज़्यादा। देखिए, इसने हमारी फ्लैश फाइल को चेक कर लिया है, सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो चुका है कि फ्लैश फाइल एकदम ओके है। तो इसके बाद यहाँ से सिर्फ सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना है। देखिए, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब तक फ्लैशिंग कंप्लीट होती है, हम वीडियो को पुश कर लेते हैं। देखिए, हमारी फ्लैशिंग डन हो चुकी है, हमारे फ़ोन की स्टोरेज मेमोरी यहाँ पे खुल चुकी है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे पास का ऑप्शन, पास का सिंबल आ जाएगा। देखिए, पास का सिंबल आ चुका है, इसका मतलब हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्लैशिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, और आगे मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो अपना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।